हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता राम अचल राजभर के बारे में। बहुजन समाज पार्टी के नेता राम अचल राजभर का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। राम अचल राजभर का जन्म अंबेडकर नगर के एक बड़े गरीब परिवार में हुआ था। राम अचल राजभर ने राजनीतिक करियर की शुरुआत अकबरपुर ब्लॉक प्रमुखी चुनाव से की थी, जिसमें वह बुरी तरह से हार गए थे। 135 सदस्यों में से केवल 11 वोट ही उन्हें मिल पाए थे। इसके बाद सन 1991 में वह बसपा से विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बावजूद बसपा में राम अचल राजभर की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद 1993 में वह फिर बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े, जिसके दम पर वह पहली बार विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद वह 1996, 2002 और 2007 के चुनाव में लगातार विजयी हुए। इसके बाद 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया। परिवहन मंत्री रहते राजभर ने इस क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं की झड़ी लगा दी। हालांकि राम अचल राजभर के ऊपर घोटालों के कई आरोप भी लगे। आपको बताते चले कि राम अचल राजभर मायावती के करीबी माने जाते। इन्हें यूपी के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। राम अचल राजभर इस समय बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राम अचल राजभर ने विश्वेश्वरनाथ कैलाश बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। सरकारी कागजों में राम अचल राजभर के गांव का नाम भले ही कायमुद्दीनपुर लिखा हो, लेकिन उनका मूल गांव पुरकी गांव ही है, जहां उनके पिता राम अवध राजभर ने हलवाई के बल पर अपना परिवार पाला पोसा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।